वेलकम टू रफ्तार मोटर टीवी। तो 10 से 15 दिन पहले अप्रिला की 457 लॉन्च हो चुकी है, रिवील हो चुकी है उसकी लुक। अभी इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है। अभी जो 10 से 15 दिन पहले हुआ था वो ग्लोबली लॉन्च हुआ था, तो इंडिया के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी। ये क्या पावर है, क्या टॉर्क है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को हमें मिलते हैं इंडिया के अंदर, आइए जानते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले पावर की बात करें तो पावर इसमें 47.5 की पावर मिलेगी। अभी 457 cc का इंजन है और 47 की पावर थोड़ी कम लगती है, ये भी मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप पूरी वीडियो देखो तो इसका जवाब मैं लास्ट में देता हूं। सबसे पहले अगर अप्रिला की फ्रंट की बात करें तो ये आरबी से इंस्पायर किया हुआ है, तो एलईडी हेडलैम्प आपको मिलते हैं, साथ में डीआरएल देखने को मिल रहे हैं आपको। इसमें लुक्स तो एकदम फाड़ू बना के रखे हुए हैं, काफी हैवी बाइक वाले। फ्रंट को छोड़ के अगर मैं साइड की बात करूं तो काफी माचो लुक इसको दी गई है, काफी ज्यादा बड़ी बाइक लगती है ये देखने को। फाड़ू लुक जैसे मैंने बोला तो वैसे ही ये बनाई हुई है, आप साइड देख सकते हैं इस बाइक की, एकदम से तूफान बाइक है। कलर की बात करूं तो 3 कलर देखने को मिल रहे हैं इसमें आपको। एक तो इनका ऑफिशियली ब्लैक कलर मिल रहा है, एक ब्लैक एंड रेड मिल रहा है और एक व्हाइट कलर मिल रहा है। पावर की मैंने बात करी थी कि 47.5 पावर क्यों आ रही है, ये तो इंडिया के अंदर आने के बाद ही पता चलेगा कि एक 457 अप्रेला बाइक जो कि अपने रॉ पावर के लिए जानी जाती है, वो इंडिया के अंदर आके क्या कमाल दिखाती है। बड़ी से बड़ी बाइक को ये पिछाड़ने वाली है और बड़ी से बड़ी लुक को ये पिछाड़ने वाली है, तो मेरे ख्याल से कोई कम्पीट करने के लिए इसको नहीं आएगा आगे। तो काफ़ी बाइक्स इसके जो भी टक्कर में होंगी वो पीछे हट जाएंगी, क्योंकि 457 पावर सिर्फ कहने के लिए है, जब इंडियंस रोड पे चलेगी तब ये कहर ढाएगी, क्योंकि हमेशा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो अप्रिला ये एग्जाम्पल को काफी अच्छे तरह से करके दिखाएगा इंडिया के अंदर। इसमें आपको स्लिपर क्लच, 6-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और TFT स्क्रीन तो आपको देखने को मिल ही रही है। इसमें 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाएंगे आपको, क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, कॉर्नर ABS है और भी ऐसे बहुत सारे फीचर इसमें देखने को आपको मिलेंगे। डिस्प्ले काफी सेक्सी मिल रही है इसमें। ब्लैक कलर तो बताया, रेड कलर भी इनका ऑफिशियल कलर है, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसमें व्हाइट कलर लेना पसंद करूंगा, व्हाइट कलर काफी ज्यादा ग्रेस दे रहा है। बाकी 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप इसको अप्रिला के शोरूम पे देख सकते हैं। अप्रिला में तो पहले स्कूटर भी बहुत कह डाते थे, जब 2017-18 का सीन था तब ये एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम अपने स्कूटर में दे देते थे, 150 cc का था जिसमें टायर भी बड़े होते थे और स्पीड के लिए भी बड़ा कमाल होता था। तो जब ये इंडिया मार्केट के अंदर कूदेगी तब जाके पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी लगती है बाइक देखने को। आपको बैठ के ही ऐसा फील होगा ना कि ये 457 cc तो नहीं है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 4.5 लाख के से लेके 5.5 लाख के करीब आपको इसका प्राइस पड़ेगा। ये सिर्फ एक आइडिया है मेरा, बाकी तो जब इंडिया के अंदर लॉन्च होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स बाइक आती है जैसे KTM या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक है इंडिया के अंदर जो लॉन्च होती है उसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है, तो वो टैक्स को इंक्लूड करके ही एक बाइक जो ऑन रोड पड़ती है, इंश्योरेंस, उसके बाद उसका RC, ये सब कुछ लगा के ही उसका ऑन रोड पड़ता है। ये तो हर एक स्टेट में अलग अलग ही होगा क्योंकि स्टेट वाइज ही आपके टैक्स होते हैं। अप्रीला की सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो क्वालिटी होती है ना टॉप नॉच होती है। क्वालिटी तो जो भी बाहर की स्पोर्ट्स बाइक आती है ना, लाइक अगर मैं बात करूं KTM की या फिर Ducati की या फिर जापानीज टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो इनकी क्वालिटी आजकल बहुत ही बेस्ट आने वाली है और आ भी रही है, तो ये प्रोडक्ट तो डेफिनेटली सुपर्ब निकलने वाला है। अगर मैं वेट की बात करूं तो 159 kg वेट इसमें देखने को मिलेगा आपको। आइडिया ये है कि 600 cc बाइक तक भी इसको बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये अपरला है यार, अपरला रॉ पावर के लिए जाना जाता है, तो 600 इसके सामने क्या होगी। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अपरेला की मैंने तो अभी तक टेस्ट राइड नहीं ली है, सिर्फ स्कूटर की टेस्ट राइड ली है। अगर मैं बात करूँ बाइक की तो अभी तक बाइक मैंने नहीं चलाई है। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बाइक कैसी रहेगी इंडियन मार्केट में, क्या ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। काफी लोग अभी से ही इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी बाइक, कब आएगी, तो इंडियन मार्केट के अंदर 1-2 दिन के अंदर ये लॉन्च होने वाली है, तो आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी पिक्चर्स भी और इसके रिव्यूज भी।
इसका वेट हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमने भी पैसे कमाना है और रिव्यू बनाना है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप रफ्तार मोटर टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकॉन कि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो आपको झट से नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि भाई अगर नोटिफिकेशन आएगा तभी आप वीडियो देखोगे, क्योंकि वैसे ही 90% लोग तो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाया करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।